Hello guys, hope so you're fine and doing great. I'm your host Sarmat Kashan Ali from my YouTube channel One Wall Window. उम्मीद है कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे और आप लोगों के दिन बहुत ही शानदार जा रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक एक्साइटिंग न्यू वीडियो। काफ़ी दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया और अभी मैं वर्क प्लेस में था, सोचा आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग बनाऊं। सो अभी मैं मार्केट में आया हूँ, घूम रहा हूँ, भूख लगी हुई थी तो सोचा कि एक्सप्लोर करूँ। क्लॉथिस, कपड़ों की दुकान है ये, फार्मेसी। जैपनीज रेस्टोरेंट है, सुशी, ये भी क्लॉथ्स की शॉप, ज्वेलरी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, मगर मैं अपनी पसंद का कोई खाना ढूंढ रहा हूँ, कोई स्पाइसी काइंड ऑफ फूड मुझे मिल जाए। ये लोग कहाँ जा रहे हो? अभी मैं मॉल के अंदर एंटर हूँ और ये फ्लावर शॉप आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, लाइक मैनी, एक्स्ट्रा, कीवीज के नाम से, और वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। फ्रूट सेक्शन है, यू कैन शॉप वट एवर यू वांट। इन लोगों ने सही तरह अरेंज किया होता है वेजिटेबल और फ्रूट्स को। आड़ू, ये आप लोग देख सकते हैं प्लांट सेक्शन है, जिसे पुदीना हम लोग कहते हैं, धनिया, लोग घरों में लगा सकते हैं ऐसे। जूस सेक्शन, ये देख सकते हैं काफी ओल्ड लेडी है और ये भी शॉपिंग के लिए यहाँ पे आई हुई है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास काफी ऑप्शन है और यहाँ पे एक चीज़ है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर पे विज़िट करें तो इन लोगों की प्राइसेस वेरी करती हैं। कुछ चीज़ें आपको किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में सस्ती मिलेंगी और कुछ किसी में। सो ये आपको खुद देखना है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि मैनी के अंदर जो मिल्क है वो आपको ज़्यादा चीपर पड़ेगा। इस तरह कुछ चीज़ें डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो ये आप जब दो तीन दफ़ा जाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर बात करें हम लोग सेल की, तो डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट टाइम पे सेल्स लगती रहती हैं, तो आप लोग देखते रहा करें। जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, कोला हो गई, या डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो आप उस टाइम पे कुछ चीज़ें परचेज बल्क में कर सकते हैं, तो इस तरह आपको भी काफ़ी सस्ती पड़ सकती हैं। अगर मगर नॉर्मली ये है कि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर, अगर हम और कंट्रीज से कंपेरिजन की करें। ये डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स, कोला, बियर, उसका सेक्शन है, कूला पड़ी हुई है, और यहाँ पे माल्ट्स, डिफरेंट स्टफ। अभी यहाँ पे समर सीजन स्टार्ट है तो जिस वजह से काफ़ी सेल लगी हुई है आइसक्रीम्स पे, डिफरेंट वैरायटी की आपको मिल जाएगी। बट ये है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ को, आपको जिस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी वो आप ले सकते हैं। इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रोजन पिज़्ज़ाज हैं, ये यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। वैरायटी काफ़ी है, चिकन से लेकर वेजिटेबल। और एक और बात आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों पे आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा होगा, मैं जूम करता हूँ, फर्स्ट प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस एग्स में भी, मिल्क में, हर जगह, मिल्क में तो नहीं, सॉरी, एग में, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ों पे जहाँ पे भी आपको फर्स्ट प्राइस नज़र आएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ का रेट जो है वो काफ़ी कम है, अराउंड 50% कम है, तो वो आप वो ले सकते हैं।
अभी मैं अपने काम की चीज़ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि सैलेड आप डिफरेंट टाइप्स का देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का आप डलवा सकते हैं जितना आपने खाना हो। फिश की बात की जाए और सी फूड की, डिफरेंट काइंड ऑफ सी फूड यहाँ पे अवेलेबल है। वेल, आप लोगों ने विज़िट तो किया होगा मेरे साथ ही और देखा होगा कि यहाँ पे जो है डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे चीज़ें किस तरह रेंज की होती हैं और किस तरह मिलती हैं। तो एक बात वो जैसे बता रहा था बीच में कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लेने जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो वहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर लिखा होगा फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस का मतलब यह है कि वो चीज़ें आपको कंपैरेटिवली 40-50% चीप रेट पर मिलेंगी। हालांकि उनमें फ़र्क कुछ नहीं होता। अगर हम एग की मैं बात लूँ तो एग में ये होता है कि अगर फर्स्ट प्राइस की आप एग लेंगे तो उनका साइज़ थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, बट सम हाउ इतना कोई खास फ़र्क नहीं है। बट उनकी प्राइस में अराउंड 40-50% का फ़र्क है। तो जो मोस्टली लोग आउटसाइडर यहाँ पे या न्यूली लोग यहाँ पे आते हैं तो वो ये करते हैं कि वो फर्स्ट प्राइस की चीज़ लेती हैं तो उनके जो ओवरऑल खाने पीने की कॉस्ट है वो उनको कम पड़ जाती है। और इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर हैं तो हर डिपार्टमेंटल स्टोर या जो एक चेन जैसे कीवी हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, योकर हो गया, मैनी हो गया और 7-Eleven हो गया, तो इनमें हर चीज़ कुछ चीज़ें उनकी सस्ती हैं कहीं पे। तो आप जैसे ही आप आगे पीछे घूमेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से लेंगे। और बस अभी घूम कर फिरता अपने ऑफिस से यहाँ पर निकला, साथ ही मार्केट में मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को भी एक वीडियो बना के शेयर करूं। न्यू बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, हेयर कटिंग कराई है मैंने और यहाँ पे समर बहुत शॉर्ट है और अभी कुछ दिन पहले तो धूप निकली है तो अच्छा लगा, इट्स गुड। और बट ये है कि अब ऐसा ऐसा मौसम चेंज होता जा रहा है, जस्ट 1-2 मंथ जो है वो प्रॉपर गर्मी के होते हैं और उसके बाद अब ऐसा ऐसा बारिशें होने शुरू हो गई हैं और शाम को रातें, शाम को भी ठंडी हवाएं चलती हैं, रातें भी ठंडी होती जा रही हैं। सो इट्स लाइक दैट अ लॉन्ग विंटर एंड अ वेरी शॉर्ट समर। और अभी मैंने भूख लगी हुई थी, चीज़ ली है खाने की, सैलेड लिया और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं बुक शॉप में एंटर हूँ तो अगर नॉर्वे की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों को बुक रीडिंग करने का बहुत शौक है तो इस वजह से यहाँ पे इनकी बुक शॉप पे बहुत ज़्यादा लोग परचेज करने के लिए आते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट। हमारे यहाँ तो ये अब हैबिट ख़त्म होती जा रही है। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कैन है, हर कैन के ऊपर 2 पंथ या 3 पंथ लिखा होता है, मीन 2 or 3 kroner, तो ये इसकी कास्ट है। आप किसी भी शॉप पे जहाँ से लेंगे वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, वहाँ पे ये डालेंगे तो आपको वो पैसे वापस आ जाएंगे। ये इसलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसाइकलिंग करें और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ना हो, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग इनक्रेज करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम नहीं कर रहे होते और वो डिफरेंट जगहों से ये कैंस इकट्ठे करते हैं और वो शॉप में जाके वो सारे पुट करके अराउंड 500-1000 crore इकट्ठे कर लेते हैं। सो इट्स आल्सो लाइक दैट, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिली होगी। सो इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, कीप सपोर्टिंग वन वर्ल्ड विंडो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। होप टू सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।